ये बात तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को कई वर्षों तक अपना गुलाम बना के रखा। इस गुलामी के दौरान भारत, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये गरीब देश में परिवर्तित हो गया। भारत का इतिहास और परंपरा बेहद ही पुरानी है, इसके बारे में कई ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजों के राज के दौरान भारत में सिर्फ लूटपाट ही हुई, तो शायद आप गलत हैं। आज हम आपको अंग्रेजों के राज के दौरान भारत में हुए कुछ विकास कार्यों के बारे में बताएंगे, जो कि भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। विस्तार पूर्वक जानते हैं अंग्रेजों के राज के दौरान भारत में हुई कुछ अच्छी बातें। अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल, अंग्रेजों के राज के दौरान ही भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में कई देशों में बोली जाती है, और इसके कारण ही भारतीय अपनी बात को आसानी से दूसरे लोगों के सामने रख पाते हैं, और यही भाषा मूलभूत से व्यापार को बढ़ाने में भी लाभदायक है। भारतीय रेलवे का आविष्कार अंग्रेजों के राज के दौरान ही हुआ था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसकी वजह से रेल के माध्यम से आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और इसी वजह से भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू हुआ। भारतीय सेना का गठन भी ब्रिटिश शासन काल में ही हुआ था, और आज तक भी कई डिसिप्लिन और कल्चर भारतीय सेना में ब्रिटिश काल के ही दोहराए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी की मार झेल रहा था, उस समय ब्रिटिश काल के दौरान ही इनके टीके उपलब्ध कराए गए और भारतीय वैक्सीनेशन एक्ट को पास किया गया। 1892 में स्मॉल पॉक्स का टीका इजाद करके भारतीयों में इसे वितरित किया गया। भारतीय जनगणना, भारत की पहली जनगणना 1871 में की गई थी। इसे करने में 10 साल का समय लगा। इस जनगणना को उम्र, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन के हिसाब से किया गया। इस जनगणना को करने का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश शासक ये जानना चाहते थे कि भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये जनगणना आज तक भी की जाती है। आखिरी जनगणना 2011 में की गई थी। अब तक जनगणना 15 बार की गई है। सर्वे करना, अंग्रेजों के राज के दौरान ही भारत सर्वे करने की प्रथा शुरू हुई थी। ज्योग्राफिकल सर्वे 1851 से शुरू कर दिए गए थे, जिसमें हर गांव, शहर के नक्शे इत्यादि सब तैयार किए गए थे, जिनके आधार पर ब्रिटिश शासक सेना और समाज को विभाजित करते थे। आज के समय में ज्यादातर लोगों को ब्रिटिश राज का कोई अनुभव ही नहीं है, फिर भी गहे बगहे ये सुनने को मिल ही जाता है कि इनसे तो अंग्रेज बेहतर थे। आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित बात करें तो आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते कि ब्रिटिश राज बेहतर था। पहली सदी में भारत की विश्व जीडीपी में 33% हिस्सेदारी थी, 11 सदी में 29% और ब्रिटिश राज के पहले भारत की विश्व जीडीपी में 24% हिस्सेदारी थी, मगर आजादी के समय तक ये घटकर सिर्फ 4% रह गई थी। 1. कारण था भारत का आर्थिक शोषण। 2. अल्पविराम, भारतीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड पर खर्च हो रहा था, मगर भारतीय उसके लाभ से वंचित रहे। फिर भारत से सिर्फ कच्चे माल का निर्यात और उसके बदले बने हुए माल का आयात होने से भारतीय उद्योग खत्म होने लगे। लघु उद्योग खत्म हो गए, अन्य उद्योग सरकारी नजरअंदाजी के चलते पिछड़ने लगे, और इन सब का प्रभाव ये हुआ कि भारत एक आयातक देश बनकर रह गया। सरकारी नीतियों के चलते कृषि आधारित समाज पिछड़ने लगा। ब्रिटिश के आने के पहले भारत में इतनी पैदावार हो जाती थी कि किसान और गांव के अन्य लोगों का गुजारा हो जाए, मगर जमींदारी प्रथा के चलते किसान गरीब से और गरीब होता चला गया। यही कारण था कि ब्रिटिश राज में कई करोड़ लोग भुखमरी से मारे गए थे। 5, 6, 1873 के अकाल में तो हालात जानबूझकर बिगाड़े गए। लोगों को 10 किलोमीटर दूर सहायता शिविरों में आने के लिए कहा गया, वहां भी सहायता देने की बजाय भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया, या राशन इतना कम दिया गया कि सिर्फ कुछ ही दिन उसका काम चल पाए। अंग्रेजों ने भुखमरी से लोगों के मरने की भी न कोई चिंता की, न लोगों की पीड़ा से उनका दिल पसीजा, न मानवता का तकाजा कोई काम आया। इस अकाल में करीब 94% प्रभावित लोग मारे गए थे। 7. बंगाल का अकाल, जिसमें करीब 40 लाख लोग भूख और बीमारी से मर गए थे।